फिफ्थ क्लास हमारी एक्सरसाइज सेकंड है, उसमें क्या करना हमने ऐड 8+1 कितना होगा हमारे पास 9 होगा, 6+2 हमारे पास 8 होगा, 5+0 5, 3+3 6 और 3+2 5 होगा। तो सिंपल एडिशन ही करनी है इन पहले 6 पार्ट में से आपने, ठीक है। सेकंड में देख लो 3+4 7, 5+1 6, 8, उसके बाद 1+2 3 और 4+2 6, ठीक है। तो दूसरे में देखो क्या करना आपने, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे दो नंबर दिए हैं आपको, ठीक है, तो इन दोनों का क्या करना आपने, सम ही करना, सिंपल ऐड करना आपको। ऐसे करोगे आप 2+3 5, 1+3 4, 3+2 5, 5+3 8 और 3+2 5। तो सभी सम 6 के 6 पार्ट ऐसे ही करने हैं आपने। क्या करना, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, जैसे ये पहले पार्ट में किया उसी तरह आपने सेकंड पार्ट में दोनों को ऐड ही करना, ठीक है। इसी तरह बी पार्ट में दोनों को ऐड करना, ठीक है। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें क्या आए ने 6 डिजिट नंबर आए ने, करना सेम ही आपने एडिशन की तरह, पर इसमें क्या, उसमें क्या था, 5 डिजिट नंबर थे 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें क्या 6 डिजिट नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसको ऐड कैसे करोगे, 5+1 6, 6+2 8, 8, 6+3 9, 3+2 5 और 4+1 5। तो सिंपल क्या करना हमने एडिशन, जैसे कल आपको बताया था, पहले ऐड वंस वाले करने हैं, फिर 10 वाले करने हैं, फिर 100 वाले, फिर 1000 वाले, फिर 10,000 वाले और लाख वाले, ठीक है। तो उसी तरह एक्सरसाइज में भी देखो सिंपल, जैसे सेकंड एक्सरसाइज में हमने 5 डिजिट नंबर वाले ऐड किए, उसी तरह हमने इसमें क्या करना, 6 डिजिट नंबर वाले ऐड करने हैं। तो 6 डिजिट वाले 6+1 7, 5+2 7, 4+3 7, 4+3 7, 5+2 7, 6+1 7, ठीक है। तो उसी तरह सभी का आंसर क्या आएगा, 7, 7, 7, 7। तो दूसरे में भी पार्ट में फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों का इसी तरह सम करना आपने, ठीक है। चाहे इसको ऊपर लिख लो, चाहे इसको ऊपर लिख लो, ठीक है, दोनों को आपने ऐड ही करना।